送到。没有 ，OK。哦，ik kreeg die melding niet namelijk. Oh, TikTok, onze kaart. Oh. Ja. Sorry. TikTok. TikTok. Zal dat dan? Hij tikt, sure. Tik. जब जब गोपियों ने कात्यायनी पूजा की इस मंत्र से एक महीना तक उन लोगों ने बड़ी कठोर तपस्या की, रेती में कात्यायनी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते हुए बोले हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिन, हे अधीश्वरी, जो अघटन घटन पटेय से जो माया है, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकती हैं, बोले ऐसे जो माया जोग माया है राधा रानी की, वो प्रकाश आप अगर हमारे ऊपर में कृपा करना चाहते हो, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतनम, बोले नंद गोप का जो कृष्ण है, हैं नंद बाबा का जो लाला जो कृष्ण, जैसे ये हमारी पति हो जाए। एक महीना तक उन लोगों ने कात्यायनी व्रत की और कृष्ण प्रसन्न होकर की सखाओं को द्वारा उन्हें वस्त्र हरण करवाए। वस्त्र हरण करके जब गोपियों ने संपूर्ण अपना लाज लज्जा सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि स्त्रियों का जो आभूषण है ये लज्जा है, लेकिन उन लोगों ने सारे लज्जा को त्याग दे करके जब कृष्ण के चरण में शरणागत हो गए, तब कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले ठीक है, तुम लोगों को साथ में शरद पूर्णिमा में मैं रास करूंगा। इसलिए जो ता मतलब है, उन्होंने गोपियों को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था तुम्हारी साथ में रास करूंगा, अभी वो रात्रि को याद करते हुए, ये एक अर्थ है। बोले जो दूसरा अर्थ है ता रात्रि, जब भगवान रास करने जा रहे हैं उसी समय में कहते छह ऋतु है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत। जगत में नियम होता है जब एक ऋतु होना, जैसे ठंडा ऋतु है वो केवल ठंडा ही होता है, गर्म ऋतु केवल गर्मी होता है, वर्षा ऋतु केवल वर्षा ही होगा, लेकिन भगवान जब रासलीला करने जा रहे हैं उसी समय में भगवान की सेवा करने के लिए एक साथ में छह ऋतु एक साथ में प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए। अब विशेष करके जो वृंदावन में कहते चिर बसंत है, वहां पर चिर बसंत, बसंत ऋतु में क्या होता है, ठंडा नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, हैं बड़ा आरामदायक होता है। इसलिए एक साथ में ये छह ऋतु भगवान की सेवा करने के लिए सबके सब ऋतु एक साथ में प्रकट हो गए। और नियम होता है हर सीजन में ना एक एक ही फूल खिलता है, हर फूल नहीं खिलता है। गर्मी में अलग फूल है, बसंत में अलग फूल है, शरद में अलग फूल है, सब ऋतु में जो फूल होता है देखना अलग अलग फूल होता है। लेकिन अभी भगवान रासलीला करने जा रहे हैं इसलिए एक साथ में जो छह ऋतुओं का जो फूल है वो एक साथ में खिल गया। इसलिए शरद उत्फुल्ल मल्लिकाम कहती ये रासलीला कौन सा महीना में करने जा रहे हैं, बड़े शरद महीना में हैं। बोले शरद महीना की विशेषत्व तो क्या है, कहते ग्रीष्म पहले गर्मी आता है, उसके बाद फिर वर्षा आती है, उसके बाद में वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में सब जो तालाब बारिश होता है ना वो एकदम पानी एकदम मीठी मीठी होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा आने पर पानी एकदम निर्मल हो जाता है और हर तरह का फूल चारों तरफ में फूल खिली जाती है, सारे वृक्ष में फूल खिली जाती है, एक अद्भुत शरद है। शरद पूर्णिमा में अद्भुत अद्भुत अपूर्व शोभा देता है ये शरद पूर्णिमा। इसलिए शरद उत्फुल्ल मल्लिकाम, बोले भगवान अपि तारात्रि, बोले ता
तृतीय अर्थ ता की होता है। कहते कृष्ण ये जो रासलीला किया है, रासलीला कब कर सकते हैं, हैं? कहते तारात्रि मतलब गोपियों की भावना और गोपियों की उम्र को देखते हुए। इसलिए एक होता है आद्य कैश्वर, एक होता है मध्य कैश्वर और एक होता है पूर्ण कैश्वर, भगवान की तीन अवस्था। कहते कृष्ण जिस समय उनने काली के सर पर उन्हें नृत्य किया है, हैं? उसी समय में आद्य कैश्वर था, कृष्ण की किशोर का जो प्रारंभ था कृष्ण। फिर जब उन्होंने गिरिराज उन्होंने धारण किया, हैं? कहते ये मध्य कैश्वर था, और कृष्ण जब रासलीला किया ना, कहते वो पूर्ण कैश्वर अवस्था में। कितना उम्र है कृष्ण का था रासलीला जब किया, कहते 9 साल में, हैं? बोले 9 साल में एक बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, 9 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है। लेकिन कृष्ण भगवान है ना, इसलिए कृष्ण को जो 3 साल उसमें लगता था कृष्ण से 6 साल का, तो 6 साल उनको लगता था जैसे कृष्ण 9 साल का, कृष्ण जब 9 साल लगता था कृष्ण 12 साल का, क्यों भगवान है। और दूसरी है कृष्ण मक्खन खा खा करके, हैं, दूध मक्खन राबड़ी मलाई इसको खा खा करके ना कृष्ण का जो हेल्थ है वो एकदम लंबे चौड़े हो गए थे। देखना जो ज़्यादा पैसा वाले घर के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे बढ़िया बढ़िया जिस घर में खाना मिलता है, देखना कम उम्र में वो लड़के बड़े लंबे चौड़े दिखते हैं, बड़े लंबे चौड़े दिखते हैं, उस समय अपना शरीर बढ़िया होता है उनका। इसलिए कृष्ण कहते जब पूर्ण कैश्वर अवस्था में उन्होंने ये रासलीला की है, इसलिए कहते ता रात्रि, हैं, कहते गोपियों की जब उनने उम्र को उन्होंने देखा, कृष्ण का जब पूर्ण कैश्वर हुआ तब भी भगवान कृष्ण ने रासलीला की है। कहते ये जब कालिया को सर पर नृत्य की और उनने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया कृष्ण, कहते हैं इस समय जब रासलीला करने से पहले कृष्ण ये दो लीला किया है। क्या लीला किया, कालिया के सर पर नृत्य किया और उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाया। कहते ये दो लीला क्यों किया है, कहते ना कृष्ण जो गिरिराज गोवर्धन उठाया उसका पीछे 4 कारण बताया। पहला कारण क्या है, हाँ? पहला कारण है कृष्ण शिक्षा देते हैं बहु देवा देवी पूजा नहीं करनी चाहिए, एकनिष्ठ होकर के भगवत भक्ति एकनिष्ठ होकर करनी चाहिए। इसलिए उनने इंद्र पूजा को बंद करवा दिया, कहते पूजा करना तो केवल श्री गिरिराज गोवर्धन और केवल एकनिष्ठ होकर कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। कहते ये एक कारण है। कहते दूसरा कारण क्या है, सब सारी चीजें लिख लेती हूँ, यहाँ से सुन लेना अभी कथा सुन लो। इसलिए कहते दूसरा कारण क्या है, कृष्ण सोच रहे थे ये ब्रजवासी सबके सब मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है ब्रजवासी और कोई नहीं, सखा सखी कौन है, कृष्ण का ही है। कहते आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित अभी कृष्ण का ही प्रकाश सब गोपियाँ और ये सखा लोग है और ब्रजवासी मेरा ही स्वरूप है। कृष्ण चाह रहे थे इनको साथ में मैं 7-7 दिन तक उत्सव करना चाहता हूँ। कभी कभी कृष्ण को गोपियों से मिलना भी कठिन होता था, राधा रानी को मिलने भी कठिन होता था, बोले ऐसे क्या काम करे जो सब ब्रजवासियों को साथ में एक साथ में मैं मिल लूँ और गोपियों से और राधा रानी से मिल लूँ, हैं? बोले कैसे होगा, जब गिरिराज उठाऊंगा इंद्र बारिश ही करेगा, कोई तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं, उनको मजबूरी में मेरे सामने उनका रहना पड़ेगा, फिर तो उनको साथ में मैं मिल लूँगा, हैं? इसलिए तीसरा कारण बताए इंद्र का अभिमान था, मैं स्वर्ग का राजा हूँ और मैं बारिश बरसाता हूँ, घास उगता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, उससे सब कुछ गोपों का सब कुछ चलता है, इसलिए मैं अगर बारिश नहीं करूँगा तो ब्रजवासी सबके सब विनाश हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण इंद्र का जो अभिमान है ये अभिमान को दूर करना चाहता था। जो चौथा जो कारण है, जो सर्वश्रेष्ठ कारण है, कृष्ण अभी गोपियों के साथ में रास करना चाह रहे हैं, लेकिन रास तो अकेले नहीं कर सकते हैं, जब तक ये ब्रज गोपियां नहीं हो तब तक तो रास नहीं हो सकता है। अभी
कृष्णा, इसलिए उन्होंने दो लीला किया है। एक तो उन्होंने कालियों को सर पर नृत्य किया है, जब कृष्ण कालियों के 100 फणिकों पर नृत्य कर रहे थे, एक फण से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे है, एक साथ में कालियों कृष्ण को एक साथ में काटना चाह रहा था, और 100 शीर को बचाना कोई साधारण बात नहीं। यहां से यहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से कृष्ण इतने जोर से अपना प्यार को चला रहे थे, बस वहां पर सारे देवता लोग स्वर्ग से उतर करके आ गए। बड़े सुंदर वीणा, ढोलकी, मृदंग, पखवाज है, करताल सबके सब बजा रहे थे और कृष्ण नाच रहे थे। कहते ना, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 फन पऊ पर बिंग 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 बिनत करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 कादि खगन गन गन गंधर्व गण, नाम 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 नारद मुनि सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर जी बोल रहे थे, प्रभु बलियारी हो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले कालिया नथन भगवान की जय। शंकर जी बोले, प्रभु आपकी जय जयकार हो। पहले तो सोच रहा था मैं सबसे सुंदर नाचने वाला मैं हूँ, मेरा नाम नटराज है, लेकिन आज हमने सारे फेल कर दिया, आज से आप हो गए नटभर हो गए, शंकर जी का जो पति आप हो गए। तो इसलिए कृष्ण जब कालियों को सर पर नृत्य किया, कृष्ण दिखाया, देखो तुम लोग बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, जो रस्सी के ऊपर कोई नाचता है, कोई तलवार के ऊपर नाचता है, कोई सर के ऊपर कलश लेकर नृत्य करता है, कोई प्रदीप रख करके नृत्य करता है, लेकिन कभी देखे हो सांप के सर के ऊपर कोई नृत्य करते हुए किसको देखे हो कभी? कृष्ण जब नृत्य किया ना, गोपियों ने देख देख कर बोले, बाहरी ये तो बड़े बहादुर है, हाँ ये तो बड़े बहादुर दिखाया। इसलिए गोपियों का जो मन प्राण चित है ना, कृष्ण सबके सब उन्होंने सबको चोरी करके ले गए। कहते ये लीला की। दूसरा लीला किया कि कहते उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाया, 7 साल बालक, 7 क्रोस और 7 दिन तक। कहते ना यार हमारे लिए कौन सा बड़ी भारी बात है, हम तो उल्टा हाथ में कर सकते हैं। बोले उल्टा हाथ नहीं, कनिष्ठ अंगुल में कर सकते। बोले कनिष्ठ अंगुल नहीं, बोले नख को ऊपर उन्होंने श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। उन्होंने गिरिराज गोवर्धन, कहती जो वीर रस है, हैं कहते श्रृंगार रस को ये वीर रस पुष्ट करता है, हैं वीर रस पुष्ट करता है श्रृंगार रस को। कहते ना जब कोई एक हीरो किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है, वो क्या करेगा, उसको सामने कुछ लोग इकट्ठा करेगा और सबको साथ में खूब मारपीट करता है, करके वो सबको हरा देता है। हरा देने पर वो हीरोइन देखती, बाबा ये तो बड़ा बलवान है, हाँ बड़ा बलवान है, क्या होता है वो, फिर उसको फिर में आसक्ति हो जाता है। कहती इसी तरह, कहते जो वीर रस है, कहते श्रृंगार रस को ये वीर रस पुष्ट करता है ये श्रृंगार रस। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान ने ये गिरिराज जो गोवर्धन जो लीला है, कालिया दमन लीला, ये रास लीला को पुष्टि करने वाले। इसलिए कहते भगवान अपि तारा त्रिशरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्रे जोग मायांग उपाश्रिता। भगवान लीला करने के लिए इच्छा की है, और उसी वृंदावन धाम को जब उन्होंने दर्शन किया, क्या सुंदर से वृंदावन धाम, सारे उद्दीपक लीला उद्दीपक स्थली है। इसलिए उन्होंने जोग मायांग उपाश्रिता, कहते ये जो लीला है ना, ये कोई काम लीला नहीं है, ये कोई जड़ माया को आश्रय करते हुए नहीं किया है, उन्होंने श्री जोग माया को आश्रय करते हुए किया है, जोग माया को द्वारा। और विशेष करके हम पहले बताए ना, कोई कोई कहता है अरे भागवत में वृंदावन हो जाओ, तुम इतने राधे 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 बोलते हो, भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है? तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो रासलीला का जो पहला श्लोक है, बोले जोग मायांग पाश्रिता, कृष्ण ने जो रासलीला की किसके चरणों का आश्रय करते हुए,
बोले श्री मूल जो जोग माया है श्री राधा रानी, जोग माया तो उनके प्रकाश है, मूल जो भगवान की लादिनी शक्ति पराशक्ति उनकी जो स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए मानो राधा रानी के चरणों को आश्रय ग्रहण करते हुए भगवान ने ये दिव्य रास लीला अपने प्रारंभ की है। तो यहाँ पर रास लीला कृष्ण विश्राम कर रहे थे, गोपियों को आशीर्वाद दिया शरद पूर्णिमा में रास करूंगा, कृष्ण विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते समय जब उनका आँख खोली, उन्होंने रात अर्धरात्रि में जब उन्हें अपना खिड़की को खोले, उनने श्री दर्शन किया। किसको दर्शन किया? उनने श्री चंद्रमा को दर्शन किया है, चंद्रमा को दर्शन किया। चंद्रमा को दर्शन करते हुए उनने देखा तो चंद्रमा को, लेकिन उनकी उद्दीपना किसी की हुई? बोले राधा रानी के मुख चंद्र की उनकी स्मरण हुआ है। कत अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करी श्रीमम कृपा कटाक्ष भाजन। इसलिए उन्हें राधा रानी की मुख चंद्र को उनकी स्मरण हुआ। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन जब उन्हें चंद्रमा को दर्शन किया कहती ये चंद्रमा की बहुपत्नी है, चंद्रमा की जो ताराएं हैं कहती ये चंद्रमा की सब पत्नी है, है? पत्नी है। इसलिए मानो वो चंद्रमा कृष्ण को कह रहे हैं, बोले तुम कौन हो? बोले चंद्रवंशी कृष्ण, हाँ मेरे वंश में आए हो, मेरी बहु पत्नी है, हैं तारा बहु। लेकिन होते हुए भी उन्होंने उदाहरण दिया जो पूर्व दिशा है कहती ये इंद्र की पत्नी। लेकिन जब चंद्रमा उदय हुआ, आप देखे होंगे जब चंद्रमा उदय होता है ना पूरा चार दिखे तो लाल लाल हो जाता है, हैं लाल लाल हो जाता है। मानो कहते जो इंद्र पत्नी, ये पूर्व दिशा का उदाहरण दिया, चंद्रमा ने क्या किया है? चंद्रमा ने किया कि उसने मानो इंद्र पत्नी की मुंह में उनने गुलाल भर दिया, है गुलाल भर दिया। पति अगर दूर देश जाता है ना, जो बड़ी दिनों के बाद में अपना घर में आता है, वो क्या करता है? पत्नी को खुश करने के लिए उसने गुलाल लेकर के पत्नी को मुंह में लगा देता है, है गुलाल लेकर लगा देता है उसको प्रसन्न करने के लिए, इतना दिन में मैं आया। कहते उसी तरह ये चंद्रमा क्या किया, दूसरी की पत्नी को मुंह में गुलाल से भर दिया। मानो चंद्रमा कृष्ण को कह रहे हैं, अरे मैं जब है मेरे तुम मेरे वंश में आए हो, मैं जब किसी दूसरी पत्नी के मुंह को गुलाल में भर दिया, अगर तू अगर गोपियों को साथ में रास करोगे ना कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम कृष्ण कौन है? अभी कृष्ण एकदम पूर्ण है, पूर्ण जौवन है कृष्ण, और फिर तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, शादी भी नहीं हुई, और ये गोपियां सब के सब कौन है? ये गोपियां एक में तो गोपियां और कोई नहीं है, कृष्ण और कोई नहीं, कृष्ण का ही प्रकाश है, कृष्ण का प्रकाश राधा रानी, राधा रानी का प्रकाश गोपियां, और ये पूर्व पूर्व जन्म के बड़े बड़े कठोर तपस्या से, पहले हमने सुना था श्रुतिचरी मुनिचरी दंडकारण्य का जितने सारे ऋषि लोग है, जनकपुरी का जितने राधा सब कुमारियां हैं कुमारियां, और श्री सीता है सीता जी, ये सब के सब कृष्ण लीला में गोपी बन करके आए हैं। इसलिए मानो चंद्रमा कह रहा है अगर तुम इन हैं ये पराई स्त्रियों को साथ में अगर तुम इनको साथ में रास करते हो ना तुम्हारे कोई दोष नहीं लगेगा, इसलिए मेरे वंश में तू आए, जब मैं ऐसे कर सकता हूँ तुम भी ऐसे कर सकते हो। मानो कृष्ण को ये उपदेश दे रहे हैं चंद्रमा, इसलिए इनको साथ तुम रास करो। इसलिए कृष्ण चंद्रमा को देख करके उनकी उद्दीपना हुई, रास करने को उन्होंने उद्दीपना हुई। जब उद्दीपना हुई फिर कृष्ण ने क्या किया, बंसी बट को नीचे कृष्ण आए और आ करके उसको नीचे खड़े होकर के बोले जगौ कलौ बाम दृशा मनहरा। तो उन्होंने बंसी में फू मारी है, उन्होंने कौन सा शब्द बोले जगौ कलौ बाम दृशा मनहरा, कहते उन्होंने
जगौ कालौ, यहाँ जो का ल बाम दृशा ई मनोहरा मतलब चंद्रमा है चंद्र, इसलिए उन्होंने बंसी से उन्होंने क्लिंग शब्द को निकाले। खाली निकाल तो क्लिंग शब्द देखना, हर मंत्र को पहले क्लिंग शब्द क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, क्लिंग कामदेवाय विद्महे पुष्पवानाय धीमहि तरुणन, देखना सब मंत्र से पहले क्लिंग क्लिंग होता है। बोले क्लिंग मतलब से पांच अक्षर है, बोले क मतलब श्री कृष्ण, ल राधा रानी, ई उनका जो मिलन, चंद्र और बिंदु जो उनका मिलन में जो आनंद है, और जो जो विश्व ब्रह्मांड है पांच वस्तुओं को द्वारा बना हुआ है, खेती आब तेज मरुद बहु है, इसलिए जो क्लिंग शब्द मतलब इसे पांच अक्षर है, मानो ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये सब के सब ये क्लिंग को अंदर में, इसलिए क्लिंग शब्द कृष्ण तो पुकारे, लेकिन राधा रानी क्या सुन रही थी, बंसुरी से केवल राधे 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 नाम आ रहा है, ललिता सुन रही थी बंसी से सब ललिता ललिता आ रही, विशाखा सुन रही थी बंसी से केवल विशाखा विशाखा विशाखा, सब अपना अपना नाम को सबके सब सुन रहे थे बंसी से, इसलिए फिर उसको बाद में इन लोगों ने कैसे घर से आए और कैसे कृष्ण से मिले फिर कल से सुनेंगे, ठीक है। अब चले जाओ ऑफिस का काम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल, गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल, जय श्री श्री गुरु रंगधर जी का गुरुधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की, नित लीला प्रविष्ट भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय, नित लीला प्रविष्ट श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, नित लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय, नित लीला प्रविष्ट भक्ति प्रज्ञान के सौ गोस्वामी महाराज की जय, नित लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत श्री लस्वामी महाराज की जय, नित लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत जय श्री गौरव गोविंद महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, भक्त तुलसीदेव की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा उपलब्ध राधा दामोदर की जय, सर्वविष्ट प्रता गिरिराज महाराज की जय, अनंत गट गौर भक्त बृंद की जय, समागत गौर भक्त बृंद की जय, गौर ब्रह्मानंद। मुझे लगता है कल